और एसओजी की टीम ने बुधवार रात को कुंदरवन मार्ग पर मुठभेड़ में एक फर्जी आईपीएस को गिरफ्तार किया। खुद को लखनऊ में तैनात आईजी क्राइम बताकर शातिर अपराधी ने सोमवार को इंस्पेक्टर को धमकाकर एक अपराधी की जानकारी मांगी थी। मूल रूप से वो भरतपुर का रहने वाला है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में इस पे मुकदमे दर्ज हैं। हिस्ट्री शीट भी खुली है। एक दशक पहले सेना भर्ती का सिंडिकेट भी संचालित करता था। उसी सिंडिकेट के 3 सदस्यों की करोड़ों रुपए के लेन देन में हत्या भी कर चुका है। एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने बताया कि बुधवार रात को एसओजी और पुलिस टीम ने कुंदरवन रोड स्थित ज्ञान कॉलेज के सामने मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया है। उसकी पहचान राधेश्याम उर्फ सुभाष कुंतल के तौर पर हुई है। ये खुद को आईजी क्राइम लखनऊ में तैनात आईपीएस अधिकारी बताकर इंस्पेक्टर दरोगा को धमकाकर आरोपियों की जानकारी मांगने और बाद में उनके परिजनों से मुकदमे से नाम निकलवाने के नाम पर पैसे लेने का रैकेट चलाता है। थाना उद्योग नगर क्षेत्र का रहने वाला एक शातिर अपराधी राधेश्याम, जिसपे दर्जन से ज्यादा मुकदमे हैं और वो हिस्ट्री शीटर है और एक अंतर्राज्यीय बदमाश है, जिसके ऊपर धोखाधड़ी, डकैती, गैंगस्टर इत्यादि तमाम मामले इस पर दर्ज हैं। आज मगोरा पुलिस और एसओजी टीम के साथ हुई मुठभेड़ में ये घायल हुआ है। ये थाना फरा क्षेत्र से एक चौथ वसूली और धोखाधड़ी के मामले में वांछित भी चल रहा था और इसको गिरफ्तार करके आगे की विधिक कार्रवाई इसमें की। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।